क्योंकि हमने यार देख लिया कि हमारी क्लासेस तो स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर उनको प्रॉक्टर टेस्ट लेना होता तो वो अभी तक ले चुके होते, एंड हमारी कमेंसमेंट डेट के साथ ही फ्रेशर्स का भी एडमिशंस एंड क्लासेस स्टार्ट कर देते। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित सक्सेना, यू आर वॉचिंग सक्सेस इन्फिनिटी। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा होगा देन जो चार चीज़ें कॉलेजेस ने करी हैं उसमें पहला है कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम। सेकंड थिंग जो कि कॉलेजेस ने करी है वो ये है प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट मतलब आपको घर पे बैठ करके अपने लैपटॉप के ऊपर एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ एग्जाम देना है। थर्ड चीज़ जो कॉलेजेस ने करी है वो है ऑन सेंटर एग्जाम, यानी आपको इन दिस पेंडेमिक जब कोविड फैल रहा है उस टाइम पर भी एग्जाम सेंटर में जाना है, वहाँ बैठना है इतनी सारी भीड़ के बीच में और फिर वहाँ पर एग्जाम देके आना है। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा बहुत कम कॉलेजेस कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ बहुत मिनिमम कॉलेजेस कर रहे हैं लाइक बिट्स पिलानी एंड ऑलमोस्ट ऑल दी गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो ये है दैट पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम। जैसे हमने देखा बिट्स पिलानी ने अपना एग्जाम पहले नहीं करा के सेप्टेम्बर में पोस्टपोन कर दिया। और यहाँ पर भी गौर करने वाली बात ये थी, जब इनका नोटिफिकेशन आता है बिट्स एडमिशन साइट पे, सो देयर इज अ वर्ड विच वॉज देयर, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आपने अगर नोटिफिकेशन देखा तो वहाँ भी देखा होगा, एंड दैट वर्ड इज टेंटेटिव। तो टेंटेटिव से यार वापस से ये चीज़ वापस पोर्ट्रे होती है दैट देयर इज नो क्लैरिटी टू एनी वन दैट कैन द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन दिस सीजन, कैन द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो यार ये जो चार पॉसिबिलिटीज़ है ना, आज हम इनकी गहराई में जाएंगे, ये देखेंगे दैट शुरू की जो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि कॉलेजेस कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि कॉलेजेस एडमिशन्स ले रहे हैं प्रॉक्टर टेस्ट के साथ, ऑन सेंटर टेस्ट के साथ और एग्ज़ाम कैंसिलेशन के साथ, और क्या वो चीज़ है जो बिट्स पिलानी के केस में हमारे सामने आ सकती है, राइट। तो यार अगर हम लोग पहले तीन केसेस की बात करें, कैंसिलेशन हो गया, प्रॉक्टर टेस्ट हो गया और एग्ज़ाम सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देने की बात होगी, इन तीनों ही केसेस में यार आप लोग देखना कि जो कॉलेजेस ऐसा कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, अब आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग, इट कैन डिपेंड एंड इट कैन हाईली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द परसेप्शन, बट एक चीज़ सब में कॉमन है कि इन सारे जो ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी अगर आप अभी 12th क्लास में थे, आपने जस्ट 12th पास करी एंड यू आर देयर टू अप्लाई फॉर सम कॉलेज, तो ये जितने पहली तीन कैटेगरी ऑफ एक्शन के इंस्टीट्यूट्स हैं इनका फर्स्ट सेमेस्टर या तो स्टार्ट होने वाला है या फिर स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो एक चीज़ जो यहाँ से हमें समझ में आती है कि चाहे वो एग्ज़ाम कैंसिल करना हो चाहे एग्ज़ाम ले लेना हो, दोनों ही केस में जो टारगेट है वो ये है यार कि जो हमारा सेमेस्टर है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, जो एडमिशन्स हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं। अगर हम VIT की बात करें, SRM की बात करें, बाकी कॉलेजेस की बात करें जिन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, तो आप उनके कॉलेज में जो सीनियर्स पढ़ रहे हैं, जो अभी बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, आप उनसे पूछोगे तो उनका जो सेमेस्टर का कमेंसमेंट डेट है और जो नए बच्चे आने वाले हैं उनका जो सेमेस्टर का कमेंसमेंट डेट है, या तो वो एग्जैक्टली सेम है या फिर उसमें बहुत माइनर गैप, 5 या 10 दिन का गैप, ज़्यादातर कॉलेजेस में यही है। इवन जो प्रॉक्टर टेस्ट और ऑन सेंटर टेस्ट ले रहे हैं उससे भी यही डिस्प्ले हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं ये लोग जल्दी से एग्जाम कंप्लीट करके, एडमिशन्स कंप्लीट करके अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। बच्चे एक बार आ गए उसके बाद सेमेस्टर वगैरह सब स्मूथली चलेगा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के थ्रू, ठीक है। अब अगर हम लोग यार बिटसेट की बात करें तो बिटसेट का केस काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। जैसे जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने कैंसिल करना शुरू करा था, बाकी चीज़ें स्टार्ट करी, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि यार बिट्स पिलानी क्या करेगा, बट वी ऑल वर ग्लैड टू नो कि जब जेईई मेंस को पोस्टपोन करा गया फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर, बिट्स पिलानी ने भी अपनी जो न्यू डेट्स निकाली वो फिर अगस्त, जो पहले 6th ऑफ अगस्त पे था वो शिफ्ट करके 16th ऑफ सेप्टेम्बर पे कर दी। सो दैट वॉज अ वेरी वेरी कमेंडेबल मूव फ्रॉम द साइड ऑफ बिट्स पिलानी। अब इससे हमें एक चीज़ तो पता चल जाती है यार कि अगर बिट्स पिलानी 16 सितंबर तक पोस्टपोन कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट वेरी मच डेस्परेट ओनली टू टेक एडमिशन्स। ये जो केस हमने बाकी शुरू के तीन इंस्टीट्यूट्स के साथ देखा जो कि एडमिशन्स लेने के लिए लाइक आप लोग कह सकते हो इतने ज़्यादा ईगर हैं कि एडमिशन्स लेने हैं एंड दे हैव टू स्टार्ट द सेमेस्टर, वो चीज़ बिट्स पिलानी के साथ अभी इस केस में दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता देन बिट्स पिलानी मस्ट हैव कैंसिल द एग्जाम ऑल टुगेदर इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, या फिर उन्होंने प्रॉक्टर टेस्ट या फिर ऑन सेंटर टेस्ट वो ऑलरेडी कर दिया होता अनाउंस। एक और चीज़, हमारा यार जो सेमेस्टर है करेंटली आई एम गोइंग टू गो इन माई थर्ड ईयर, तो हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन दोज आर गोना स्टार्ट फ्रॉम 17th ऑफ अगस्त, यानी जस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है
जैसा हमने बाकी कॉलेजेस के केस में देखा कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया या फिर जल्दी करा दिया जस्ट इन ऑर्डर कि साथ में हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो पाए, तो ऐसा बिट्स प्लानिंग नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि काफ़ी पीसफुल कंडीशन है, काफ़ी काम है चीज़ें, काफ़ी आप कह सकते हो वाइज वे में एक्ट कर रहे हैं बिट्स प्लानिंग एडमिशन सेल की अथॉरिटीज। एक और आपको चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप दुबई कैंपस के बारे में देखोगे ना बिट्स प्लानिंग दुबई कैंपस, तो बिट्स प्लानिंग दुबई कैंपस की जो क्लासेस हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of September, और सिर्फ उन बच्चों के नहीं जो कि ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बिट्स प्लानिंग दुबई कैंपस में, ऑल्सो ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर गोना गो इन टू द फर्स्ट ईयर दिस टाइम। सो यार ये अगेन हमें पोर्ट्रे करता है कि यार जब दुबई कैंपस चार में से एक कैंपस, ये जो चारों कैंपस हैं पिलानी गोवा हैदराबाद दुबई, ये सब एक चांसलर के अंडर में आते हैं, एक वाइस चांसलर रहते हैं जो गवर्निंग बॉडी हेड सबके टॉप में, दैट इज सेम। तो अगर एक कैंपस दुबई कैंपस उसमें आप बच्चों का सेमेस्टर स्टार्ट करा सकते हो नए बच्चों का फ्रेशर्स का फ्रॉम 1st September, स्टिल जो पिलानी गोवा हैदराबाद तीन कैंपसेस हैं आप उसका नहीं करा रहे स्टार्ट, दैट मीन्स कि यार देर इज़ नो डेस्परेशन, देर इज़ नो ईगरनेस, और कोई जल्दीबाजी नहीं है एग्जाम कंडक्ट करके एडमिशन्स लेने की। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि किसी को टेंशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर जेई मेंस पोस्टपोन हो जाता है देन देर इज 99.9% चांसेस इन माय बुक्स कि यार हमारा बिट साइट भी पोस्टपोन हो जाए। सो अब जो भी है सब कुछ जेई मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर जेई मेंस हो जाता है, अगर नीट हो जाता है, तो बिट्स प्लान को एग्जाम कराने से कोई नहीं रोक सकता, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर जेई मेंस नहीं होता और नीट नहीं होता, दे आर पोस्टपोन अगेन टू सम अदर डेट टू सम अदर मंथ, तो फिर यार चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे बिट साइट के फिर से पोस्टपोन होने के आफ्टर दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंड क्योंकि हमारी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं बिट साइट की, बट और कुछ नहीं बताया कि पेपर कहाँ से होगा, आपको घर से देना है, आपको एग्जाम सेंटर जाना है, 75% एग्रीगेट पे कोई बात नहीं हुई, सो दैट मीन्स कि यार अभी थोड़ा सा वेट करने की हमें ज़रूरत है। बिट्स पिलानी इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर अ नोटिफिकेशन फ्रॉम जेई मेंस, फ्रॉम NTA, फ्रॉम HRD मिनिस्ट्री की क्या होने वाला है, वॉट वुड बी द सीन फॉर जेई मेंस एंड नीट। सो आई थिंक देर आर हाई चांसेस कि ये लोग थोड़ा सा वेट करेंगे उनके डिसीजन के आने का, एंड उसके बाद हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस इशू पे कि बिट सेट होने वाला है सितंबर में या नहीं होने वाला। बट अकॉर्डिंग टू मी एज ऑफ नाउ बिट सेट होगा तो जेई मेंस और नीट के साथ ही होगा, उसके पहले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, एंड प्रॉप्टर टेस्ट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमने यार देख लिया कि हमारी क्लासेस तो स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर उनको प्रॉप्टर टेस्ट लेना होता तो वो अभी तक ले चुके होते, एंड हमारी कमेंसमेंट डेट के साथ ही फ्रेशर्स का भी एडमिशन्स एंड क्लासेस स्टार्ट कर देते। अभी के लिए यार मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, मोमेंटम से रखिए, 16 सितंबर की डेट को मान के चलिए, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन, हो सकता है प्रॉक्टर टेस्ट हो जाए, हो सकता है एग्जाम कैंसिल हो जाए, हो सकता है ऑन सेंटर टेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, nobody knows what is going to happen but the bits pilani authorities, so jab tak bits admission ke site pe notification nahi aata we can't claim anything, we can't believe anything, we can't imagine anything, right? to yaar apni preparation ko aap rakhiye start, bilkul resume rakhiye, jo bhi aap karna chah rahe the, jaisa aapka schedule tha, jaisa aapka time table tha, bana kar ke rakhiye, uske hisab se act karte chahiye, kuch bhi hoga main aapko notify kar dunga। so I hope you all must have felt these things to be very logical। ठीक है, तो यार पढ़ते रहिए, मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, स्ट्रैटेजी वीडियोस। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी लोग मुझे डिमांड कर रहे थे दैट भैया वी वांट अ 30 डेज टाइम टेबल स्ट्रैटेजी, कि हम कैसे हर दिन अपना शेड्यूल करके पढ़ सकते हैं, किस चैप्टर को हमें कितना टाइम देना है, कितने दिन देने इन दिस लास्ट टाइम ऑफ रिविजन। तो अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो मैं लाऊँ, तो यार एक छोटा सा टारगेट है, 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा, अगर आपने कर दिए देन मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो जल्दी लानी है, नहीं हो गए अगर कंप्लीट टारगेट स्टिल वीडियो तो आएगी ही सही, बट अगर हो गए तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी आ सकता है उतनी जल्दी वीडियो आए। लाइक कर दो यार वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है कि बिट साइट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, राइट? कमेंट करके बताओ मुझे, एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल, एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा कहीं पर नीचे, मुझे नहीं पता कौन सा डायरेक्शन में आता है, मैं भूल गया, तो उसको जाके दबा दो, उसके साइड में बेल आइकन है, अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है देन मेक श्योर दैट वो बेल आइकन भी ऑन हो, अदरवाइज नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।